फंक्शन, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सिस्टर ज्योति, हाउ आर यू? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ऑल वेल? जी, ऑल वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत मजे में, बहुत बढ़िया, एंड बहुत एक्साइटेड फॉर दिस न्यू सेशन। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड। यस, एंड लास्ट टाइम हमारा जो ट्रेलर हुआ था उसमें से इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने बात करी थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि इसको मैं शॉर्ट कर दूं, और और करके भी 35 मिनट्स का ट्रेलर जो हमने शॉर्ट करके 5 मिनट्स किया, एंड आई होप काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा इसको। एंड लेट्स गो अहेड। आज हम हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो तो हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे लास्ट में, लेकिन आज हमारे साथ में सिस्टर नेहा ज्वाइन करने वाली, उनके पहले सिस्टर ज्योति आई हुई हैं, जो कि जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा। कि सिस्टर ज्योति मेहता जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स में भी हैं, काउंसलिंग सर्विसेज दे रही हैं अपनी, और इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो कि पिछले 7 सालों से वो सेवाएं दे रही हैं यूनाइटेड किंगडम में, और एक चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी, एंड वो NHS में भी काम करती हैं, जिसे कहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जहां पर इंग्लैंड में वो 24/7 सैमरिटन्स लंदन के साथ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, नेशनल हेल्पलाइन है। एंड हम बहुत जल्दी एक और घोषणा करना चाहते हैं यहाँ पे कि हम बहुत जल्दी ही नेशनल हेल्पलाइन टाइप का हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग तड़प रहे थे कि कोई मेरे से बात करे, मेरी लोनलीनेस को खत्म करे, मेरी एंग्जाइटी को, मेरे डिप्रेशन को खत्म करे, जो कि नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे ही हम भी एक बहुत जल्दी ही एक लैंडलाइन या हेल्पलाइन कहें या जो भी लाइन कहें उसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, एंड जिसका फायदा हर कोई ले पाएगा। सो सिस्टर ज्योति मेहता और साथ में प्रिजंस में भी काम करती हैं, जहां पर जाकर के वो बहुत सारे लिसनर स्कीम्स रन करती हैं प्रिजनर्स के लिए, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ज्योति सिस्टर मुझे बताइएगा। एंड ऑल्सो वो फोर्टिस हेल्थ केयर इंडिया के साथ में उन्होंने सेवाएं दी हैं, काउंसलिंग की सेवाएं जब वो भारत में थी, एंड सिस्टर ने वो सेवाएं देते हुए परमात्मा पिता का भी ज्ञान लिया, एंड वो आज हमारे साथ में मंच में है। एंड सिस्टर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट, एंड काफी लोगों को मेरा परिचय ऑलरेडी है, ब्रह्म कुमार परमप्रीत, एंड मैं ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ योगा, एंड मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड फूड एंड अदर थिंग्स, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करते करते मैं एक बिजनेस पर्सन भी हूँ, एंड कोर्सेज लेता हूँ फॉर साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप्स। जिस तरह हमारे साथ में बहुत सारे लोग ज्वाइन करके हैं, मैं चाहता हूँ कि आज हमारे साथ में मनीष तिवारी जी, अगर आप मनीष जी मुझे सुन सकते हैं, अगर आप हमारे साथ में हैं तो काइंडली अनम्यूट करें। मनीष तिवारी जी मेरे को मिले थे सीमा सशक्त सेवा बल के साथ में, जो कि SSB में वो सेवाएं दे रही हैं अपने, एंड बहुत ही अच्छे कवि हैं ये। ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 साल पहले हुआ होगा मैं इनको मिला हुआ, हमारे ब्रह्म कुमारी के थ्रू हम गए थे, एंड उनसे उनकी सेवाओं में जो गए थे तो उनके साथ मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई थी। सो भाई साहब, अगर आप अपनी सुंदर कविताओं को हमारे सामने पेश करेंगे, एंड उसके बाद में हम आपके शुभ मुख कमल से सुन करके कविताएं आगे इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे, तब तक हो सकता है सिस्टर भी ज्वाइन कर जाए। ओके, ऑन टू यू मनीष जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ओम शांति। ये सर ने इतनी बड़ी बातें कही, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, ये प्रेरणा थी हमारी, इनसे मुलाकात हुई, और शायद जो ईश्वरी वो थे उनको मैं समझ पाया, शायद कुछ ईश्वरी वो थी जो शक्तियां होती हैं उनका कुछ प्रवाह शायद कुछ तेज हुआ, उसके बाद से शायद मैं कुछ और भी करता है लिख पाया हो, कि मुझे अब जस्ट लाइक ऐसा फील होने लगा है कि जो मैं लिखता हूँ वो शायद मैं नहीं लिखता, दीज आर दोज मैसेज विच आर बींग फॉरवर्ड बाई दोज सुप्रीम पावर। तो मैं छोटे शब्दों में उस जो दो चार पंक्तियां बनाने की कोशिश करता हूँ। वो देते हैं तुमको आवाज, वो देते हैं तुमको आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते, वो रहते हैं तुम्हारे साथ, बस तुम्हें उनके साथ नहीं रहते, वो करते हैं तुमसे बात, तुम उनकी बात नहीं सुनते, शिकायत करते हो
उनकी दिन रात हम अपनी गलतियों पर भी बाबा की शिकायत करते हैं कि बाबा ने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। मैंने लिखा, शिकायत करते हो उनकी दिन रात, तुम उनकी एक नहीं सुनते, वो तुमसे कहते हैं अपनी बात, बस तुम्हें उनसे बात नहीं करते। जाने कहाँ खोए हुए हो तुम, वो देते हैं तुमको आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते, वो देते हैं तुम्हें आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते। तो ये जो आवाज शायद जो मुझे सुनाई देना अभी स्टार्ट हुई है, तो ये शायद सर की बड़ी इसमें कृपा है, और सर से मिलकर मुझे शायद ये आगे बढ़ने का हौसला मिला। मैं चल रहा हूँ और ईश्वर के जो संदेश हैं मैं उनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आज सेशन के दौरान काफ़ी कुछ सीखने के उत्सुकता में आया हूँ। ये अवसर भी आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वर्ड्स। एंड आज हमारा जो कहते हैं ना, हर दिन की हमारी जो क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस, उसमें बाबा हमेशा ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं सुनते, किसी दिन तो मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप हमारे साथ में शिव नेहा सिस्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड फाइनली आप आ गए हैं ताकि हमारा सेशन आगे बढ़े। ओम शांति सिस्टर। एंड सिस्टर का परिचय देना चाहूंगा, सिस्टर बहुत सारे पिछले सेशन से भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो शिव नेहा सिस्टर एक लेखक भी हैं और उनको शिव रेज कहकर एक उन्होंने किताब पब्लिश करी है, जिसके कारण से उनको एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने एक लेख भी लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो भी सिस्टर नेहा ने प्रमोट किया था, एंड उसका भी अहमदाबाद में आई थिंक फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे उनका उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। एंड सिस्टर नेहा एक्चुअली दुनियावी कामों में भी व्यस्त रहते हुए भी औरों की बहुत सारे लोगों की सेवाएं करती हैं एंड ऐसे सेशंस लेती हैं। इवन सैन फ्रांसिस्को में भी उनके सेशंस चलते हैं, गुजराती कम्युनिटी के साथ भी उनके सेशंस चलते हैं। और सिस्टर नेहा एक मोटिवेटर स्पीकर हैं, पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग एंड बहुत सारे अच्छे मेडिटेशन के भी सत्र लेती हैं। तो आज सिस्टर टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम सत्र स्टार्ट करें, जहाँ पर हम आज एंग्जाइटी, ये एक्चुअली ट्राईएथलॉन क्यों कहा गया, बिकॉज इसमें हम तीन चीजें कर रहे हैं। देखा जाए तो तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन साथ साथ तीन चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। वो है कि एंग्जाइटी का सबसे पहला उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन क्या है। ये तीन चीजों को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। सो सिस्टर नेहा, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आज हमारे चीफ गेस्ट भी जो हमारे पास में आने वाले हैं, हमारे ऑनरेबल गेस्ट, आप उनका भी थोड़ा अगर परिचय दे सकते हैं तो काइंडली दीजिएगा, अगर हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं तो। थैंक यू सिस्टर, ऑन टू यू। Kindly unmute yourself, sister. Kindly unmute yourself, sister. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Good evening and welcome all to this session. जैसे ब्रदर ने तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, एंड आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज दो तीन जगह से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैं मुंबई से जुड़ी हूँ, ज्योति मैम इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, और भाई जी दार्जिलिंग से है। तो कहते हैं कि आज के सेशन में तीन लोगों का संगम है। तो मीनवाइल आज का हमारा जो टॉपिक है एंग्जाइटी, तो एंग्जाइटी हम बोलते तो है कि एंग्जाइटी है, बट ये एंग्जाइटी एक्चुअली है क्या? तो एंग्जाइटी इज अवर थॉट पैटर्न्स, ये हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं, और वो थॉट्स के हिसाब से हमारी थॉट्स की स्पीड क्या है ना, वो स्पीड के ऊपर से ये एंग्जाइटी हमारी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो एंग्जाइटी के बारे में चाहिए तो हम पहले यही कि लाइक यू नो एंग्जाइटी इज नथिंग बट इट इज द थिंकिंग पैटर्न। हम किस हिसाब से हमारी सोच को लेकर हमारे जीवन में चल रहे हैं, उसके ऊपर से हमारी थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से वी आर डेवलपिंग दैट ट्रेंड। सो मैं ऐसे ही शब्द में कहना चाहूंगी कि एंग्जाइटी मतलब ओवर थिंकिंग है ना। जैसे हमारे कहते हैं कि जैसे हमारे घर में
अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम मेहमान को पहले पानी देते हैं, चाय देते हैं, फिर बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो उसी तरह जब भी हमको कोई भी एक थॉट आता है जो चिंता का थॉट है, कि जिसमें कोई फियर की भावना है या चिंता का थॉट है, तो हम जब भी उसको थोड़ा चाय पानी देते हैं, है ना, उसके आत्ता स्वागता करते हैं, पहले पानी ऑफर करेंगे, चाय ऑफर करेंगे, नाश्ता ऑफर करेंगे, तो हमारा क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर ये सब फाइल्स एक 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 पाइल अप होगी, और ये जो फाइल पाइल अप होगी, तो वो फाइल जब भी बहुत ही ऊपर पाइल अप हो जाती है, तो फिर हमें उससे डर लगने लगता है। एंग्जाइटी इज अनदर शब्द में, उसको हम डर भी कह सकते हैं, कि वो डर की भी भावना लेकर आता है। जैसे जो बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं या एग्जाम के टाइम पे, या फिर भी जॉब इंटरव्यूज में भी लोगों को फियर रहता है कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछने को कोई पूछेगा, तो ये सब जो हमारे थॉट प्रोसेस, जो बिफोर द एक्ट, द एंग्जाइटी इज बिफोर एनीथिंग यू आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। मतलब जैसे इंटरव्यू में आपको जाना है, तो घर से निकल के या तो जब से हम तैयार होने का ये करते हैं, घर से निकलते इंटरव्यू के वेन्यू तक पहुंचने तक हमारी जो थॉट की प्रोसेस है, दैट इज द एंग्जाइटी। और कहा जाता है कि चिंता और चिता, ये दोनों में एक बिंदु का फर्क है, और वो बिंदु वो है कि फुल स्टॉप, कि ओके इंटरव्यू है, एंड आपके अंदर अगर ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज्योति सिस्टर विल बी एबल टू एलोबरेट दिस मोर, क्योंकि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट और वो बहुत सारी यही चीजें करती है, तो शायद उनका इंट्रोडक्शन भी हुआ रहेगा। सो उनसे पहले हम प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एक बार सॉल्यूशन की तरफ भी जाते हैं। तो आई वुड लाइक ज्योति सिस्टर टू जस्ट एक्सप्लेन दैट इन इसमें लाइक यू नो इन द मेडिकल टर्म्स व्हाट इज एक्जैक्टली द एंग्जायटी। जी जी, थैंक यू सिस्टर। आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ओवर थिंकिंग वाला एस्पेक्ट बहुत सिंपल शब्दों में समझाया, एंड एग्जैक्टली वही होता है। पर जब हम मेडिकल टर्म्स में एंग्जाइटी देखते हैं, तो हम तीन कॉम्पोनेंट्स देखते हैं उसके, द इमोशनल एस्पेक्ट, थॉट प्रोसेस जो आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया, और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट देखते हैं। तो अगर हम में से कोई ये जानना चाहता है कि हमें एंग्जाइटी हो रही है या नहीं, थॉट को रिकग्नाइज करने के लिए काफी अवेयरनेस चाहिए। और आई थिंक जिस एरा में हम रह रहे हैं, बहुत बहुत कम होता है जब हम अपने साथ बैठते हैं और हम समझते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। हम जनरली जो बिहेवियर होते हैं कि मुझे शायद जो जो आउटकम होता है, हम वो देख लेते हैं, पर बिलीफ सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम जानना चाहते हैं कि मुझे कभी एंग्जाइटी होती है, तो इजी तरीका है फिजिकल या फिर बिहेवियरल कंपोनेंट देखने का। जैसे कि आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया, अगर मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ या फिर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और अगर मुझे मेरी हार्ट रेस हो रही है, मुझे अपनी दिल की आवाज़ आ रही है, मैं बहुत डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ या फिर फास्ट ब्रीदिंग कर रही हूँ रादर, मेरे हाथ में से पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, मुझे थोड़ा नॉजियाटिक लगने लगा है, शैलो हो रही है मेरी ब्रेथ, ये सब अगर आपके पास आपके साथ हो रहा है, तो शायद ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ब्यूटीफुली बोला कि हम अवेयर रहें, हम एक अपने आप को रिकग्नाइज करना शुरू करें। जैसे आपने बोला कि चिंता और चिता में एक फुल स्टॉप का ही अंतर है, वो फुल स्टॉप लगाना तब आएगा जब हमें समझ आएगा कि हम चिंता और मतलब उस एस्पेक्ट पे चल रहे हैं, राइट। एंड क्यों एंग्जाइटी
एंग्जाइटी एक इमोशन है, जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत डिफरेंट टाइप के इमोशंस फील करते हैं, तो एंग्जाइटी क्यों हमको ध्यान रखना चाहिए एज अ नॉर्मल इमोशन? अगर आपको पता है कि ठीक है ये सिचुएशन के बाद में अब मुझे मेरा हार्ट रेट ठीक हो गया है, अब मैं बिना ओवर थिंकिंग के अब मैं जी रही हूँ, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल चीज या नेगेटिव चीज नहीं है. पर अगर ये कॉन्स्टेंटली चलता है, अगर ये आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गया है, या फिर मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पा रही क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एंग्शियस हो गई हूँ कि मैं चीजें भूल गई हूँ, तो वो एक ऐसी चीज है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. ऑल्सो एंग्जाइटी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है कॉल्ड एमिग्डाला, जो एक्चुअली रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरीज को. इसीलिए जैसे ही हम एंग्शियस फील करते हैं, हमारा ब्रेन को लगता है कि डेंजर है, एंड वो इमिडिएटली क्राइसिस रिस्पॉन्स या इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है. एज अ ह्यूमन हम बहुत पहले जब हमें एंग्जाइटी होती थी, तो हम दो चीजें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, जिसका मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ. एंड आई थिंक दैट्स वेयर हमको इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कोई भी जो मैं घबरा रही हूँ वो रियल डेंजर है या मैं उसे परसीव कर रही हूँ. क्योंकि अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली इमरजेंसी मोड पे रहेगी तो काफी वेयर एंड टेयर, और हमारी यू नो यू आर ऑलवेज ऑन द एज एंड यू आर ओनली परफॉर्मिंग, तो आपकी बॉडी पे वो बहुत असर पड़ता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि एंग्जाइटी इज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एंड इसलिए हमें प्रोलोंग करने से हमको शायद उससे मदद नहीं होती है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिम्टम्स हैं. परम भाई जी, डू यू वॉन्ट टू एड समथिंग ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई कि या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? थैंक यू सो मच सिस्टर. एंड जैसे सिस्टर नेहा ने एंड ज्योति सिस्टर ने कहा कि हमारे ये सब कुछ थॉट्स से ही क्रिएट होता है, एंड थॉट्स को पहचानना बहुत जरूरी है हमारे, कि हम किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इस समय. जैसे ये प्रोग्राम भी चल रहा है हमारे सामने, तो हमारे अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अवेयर हैं हमारे थॉट्स के बारे में? ये थॉट्स सेल्फ कॉन्शियस थॉट भी हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस थॉट्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं. एक आता है हमारा फिजिकल कॉन्शियस थॉट्स, एंड एक होता है कि आपका सोल कॉन्शियस थॉट्स. तो फिजिकल कॉन्शियस थॉट्स में आज अगर हम देखें, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग भी आज अपने फिजिकल लुक्स के साथ में इतने कॉन्शियस है कि उनको उस चीज की भी एंग्जाइटी होती है कि लोग मेरे बारे में मुझे देख करके क्या सोच रहे हैं. एंड एंग्जाइटी बचपन से ही हमें सिखाई दी जाती है. जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या किसी से बोलते हैं अरे ये कपड़े तुम्हें सूट नहीं करे, तो इतना कॉन्शियस हो जाता है वो इंसान, छोटा बच्चा कॉन्शियस हो जाता है. वहीं से हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा की जाती है, और फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आए नहीं लेके आए अच्छे मार्क्स, स्कूल में पढ़ाई कैसे आ रही है, ग्रेड कैसे हो रहे हैं, टीचर्स कैसे हमें पसंद कर नहीं कर. तो हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स जो आज बन गए हैं, हमारी जो फिजिकल वैल्यू के ऊपर, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर जो बन गया है, उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है. एंड बच्चों में देखा जाता है कि आज उनके हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है, वो एग्जाम के पहले जाने से पहले उनका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो बहाना मारते मम्मी आज नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दर्द हो गया, या आज मम्मी मेरे को डायरिया हो रहा है, मैं नहीं जाने वाला मम्मी आज. तो ये चीजें बचपन से ही हमारी स्टार्ट हो जा रही हैं, एंड इतना कॉन्शियस बना दिया जाता है एक छोटे बच्चे को उसके लुक्स से देख करके, उसके एजुकेशन के मार्क्स से देख करके, उसके परफॉर्मेंस. एक छोटे बच्चे को जब हम खड़ा कर देते हैं सामने कि चलो नाच के दिखाओ, चलो डांस करके दिखाओ, चलो पोएम सुना के दिखाओ, उस समय से ही बच्चा वहां पे तैयार नहीं है, उसके अंदर उसकी हालत क्या हो जाती है. लेकिन अगर वही माता पिता बचपन से ही उसको समझाएं, उसको एक इनकरेजमेंट दें अंदर से, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो चेंजेस आए, वो एंग्जाइटी को भी पार कर जाए. तो अगर आप देखें आज प्रोडिकल चाइल्ड भी कहते सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टेज पे आकर डांस कर रहे होते हैं, स्टेज पे आकर के परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको क्या सिखाते हैं जिससे कि उनकी एंग्जाइटी की नाम और निशान नहीं रहता उनके सामने. सो एंग्जाइटी होना बचपन से तो सिखाया गया, लेकिन आज बड़ों में भी है. रिलेशनशिप में जब आते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्या मुझे पसंद करता है बीबी, क्या मुझे पसंद करती है बीबी, उसकी भी टेंशन लेना, हर दिन सोचना, एंड कभी कभी हम ओवर डू कर देते हैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए. सो वो भी करना भी एक प्रकार से एक वरी हो गया, एक फियर हो गया, एक डर हो गया कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे से दूर ना चले जाए. तो हम क्लिंगीनेस होगी, ये मतलब कि एक्शंस में दिखाया जाता है कि लोग क्लिंगी हो जाते हैं बहुत ज्यादा,
फियर के कारण, वरी के कारण, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, उनके बनी ही नहीं है, और सारी आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी पे बनी हुई है। जॉब कैसे दी आपने, कितने मार्क्स लेके आए हो बचपन से, आपके क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, आप कौन से घर में रहते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, यही सारे कारण से कारण अगर आप सोचें आज सिस्टर्स कि, और जितने भी हमारे यहाँ पे सुनने वाले आए हुए हैं, अगर आप सोचें कि अगर हमारी आइडेंटिटी इन सारी चीजों से अगर बनी हुई है, फाइनेंसिस से आइडेंटिटी बनी हुई, हमारी हमारी हेल्थ, हमारे लुक्स कैसे हैं, उससे आइडेंटिटी बनी हुई है, हम किन किन को जानते हैं, मैं इस पॉलिटिशियन को जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इस चेयरमैन को जानता हूँ, हमने अपनी आइडेंटिटी इन चीजों पर बनाई हुई, और ये कोई भी चीज स्थिर है क्या? क्या इनमें से कोई भी चीज फ्लक्चुएट नहीं करती है? हर चीज फ्लक्चुएट करती है। तो ऑब्वियस है कि अगर हमारी आइडेंटिटी इन चीजों के ऊपर रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो ही रीजंस बन जाएंगे एंग्जाइटी के। आज पैसा है तो लोग पूछते हैं, कल पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं है, एंग्जाइटी बनेगी, बनेगी 100% बनेगी। आज मेरे लुक्स अच्छे हैं, 60 इयर्स पहुंच गया, यहाँ पे झुरी आने लगी, एंग्जाइटी बनेगी भी बनेगी, कि आज मुझे कोई प्यार नहीं करता, आज मुझे मुझे कोई पूछता नहीं है, कहीं मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए। सो आई बिलीव सिस्टर ये चीजों को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसके बाद में जा करके हम क्या कर पाएंगे कि हम एक एक करके थॉट्स को क्लियर कर पाएंगे स्पिरिचुअली कि इन, अच्छा ये अगर मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं किनको जानता हूँ, मेरे पास में धन कितना है, मेरे पास में मार्क्स कितने हैं, सारी चीजें, अगर ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? एंड आई थिंक सिस्टर नेहा विल बी एबल टू टेल अस एग्जैक्टली कि हमारी रियल आइडेंटिटी किस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए। सिस्टर ऑन टू यू, आप क्या कहते हैं? या जैसे हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे आंतरिक, हमारी जो शक्तियां है या हमारी जो विशेषता है उसके ऊपर से हमारी आइडेंटिटी ये करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि जब भी एग्जाम में बच्चे होते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू नो दे डू नेल बाइटिंग करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, मतलब यू आर एबल तो इमीडिएटली कैच द सिम्टम्स के अगर मुझे टेंशन हो रहा है एंड मुझे एग्जाम में डर लग रहा है तो लाइक यू नो इमीडिएटली हमारी फिंगर्स को, नेल्स को हम बाइट करने लगते हैं। देर आर पीपल जो ऐसे उनके लेग्स हमेशा यू नो हिलते रहते हैं जब भी उनको टेंशन आता है, देर आर पीपल जो ऐसे सर के ऊपर यू नो हाथ ये करके, या कोई जैसे गर्ल्स है तो उनके बालों को ये करती रहती है। सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ यू नो एंग्जाइटी। तो ये बहुत ही कॉमन जो कहते हैं ना कि कॉमन दिखने वाले सिम्टम्स है, जो मतलब उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन कि एकदम स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स के, ये जब ये सिम्टम्स हमें लगे तो हमें पता चल ही जाता है कि हमको टेंशन है। वो कोई भी मतलब सामने वाला भी देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि इनको टेंशन हो रहा है। तो हमारी एक्चुअली हमारी जो इनर जर्नी है, फिर वो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे बड़े हैं यू नो, तो बचपन में भी हमने तो जब भी एग्जाम दिया हम लोग खेलने को भी, हम खेल भी कर रहे थे, हम घूमने जाते थे, हम स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, और मतलब वही एक्टिविटी हम बचपन में भी करते थे। लेकिन बचपन में वी वर एबल टू रिलीज अवर टेंशन और स्ट्रेस बाय लाफिंग, बाय प्लेइंग, या यू नो एक दूसरे के साथ शेयर करके, दोस्तों के साथ जब भी खेलने जाते थे। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि छोटा बच्चा हो वो बच्चा भी कंपटीशन के अंदर घेरा हुआ है, और इसमें आई विल से कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आजकल माँ बाप चाहते हैं कि जो हमने नहीं किया हमारे बच्चे करें, है ना। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पढ़ाई की लेकिन हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की, फिर मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। ये भी एक आजकल का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मातृभाषा में पढ़े हुए बच्चे से कमजोर होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप आपका डेवलपमेंट क्या करते हो, यू नो। किसी के पास सीए की डिग्री है लेकिन इन प्रैक्टिकल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, और कोई बीकॉम किया हुआ जो ग्रेजुएट हुआ रहेगा कोई लड़का है, दे आर एबल टू मैनेज द कंपनी वेरी वेल,
तो हमारी आइडेंटिटी हमारे अंदर की ही आइडेंटिटी है. जैसे दो चीज है कि अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आपको एक मैं थम्स अप की बॉटल दूँ और मैं आपको कहूँ कि मैं ये बॉटल को खोलो, तो क्या होगा? जैसे आप खोलोगे यू नो पूरा वो उसका ये ऊपर आएगा एंड इट विल सीधा बाहर आ जाएगा बिकॉज उसके अंदर भी वो प्रेशर है. लेकिन एट द सेम टाइम जब भी मैं आपको कहूंगी कि पानी की बॉटल को खोलो, तो पानी की बॉटल को आप हिला के भी खोलोगे तो इट विल स्टे पीसफुली. तो जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको स्ट्रेस, हमको टेंशन हो रही है फर्स्ट स्टेज, तो हमें थोड़ा लाइक यू नो मैं अभी सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा जा रही हूँ कि जब भी हमें लगता है कि हमको गुस्सा आ रहा है, आई मीन फियर है, या हमें चिंता के लक्षण है, तो यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन. तो उसके लिए सबसे इजी मेथड आई विल से कि यू शुड काउंट द नंबर 10 to 1, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? तो क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है. व्हेन यू से द नंबर 1 to 10 आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है. तो जब एक कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वी आर इन विद द फीलिंग ऑफ फियर और फीलिंग ऑफ एंजाइटी, तो हम सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे. बट व्हेन यू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, जब भी ये उल्टा नंबर हम जब भी करते हैं, तो वी आर एबल टू थिंक इन अ बेटर वे. एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज ड्राइव कार्स, तो हम जब भी रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में अगर बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चलते ही रहे तो क्या होगा कि there is a chances of accident. So to prevent accidents, वहाँ पे traffic signal का हमारा concept है कि जब भी ये traffic signal लगता है you have to stop your car. तो ऐसे ही अगर हम पूरे दिन में कोई दो तीन घंटे के अंतर पे if you just take a pause, जिसे बहुत ही अच्छी तरह मैं कहना चाहूँगी कि pause for peace, we can give that good name कि pause for peace. और वो टाइम पे यू जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, हैव ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर एंड देन अगेन यू गेट बैक टू योर वर्क. तो जब भी अपने लिए, खुद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, जो हमारी अंदर की ऑलरेडी आइडेंटिटी है आई एम अ पीसफुल सोल, जो हमने आगे के सेशन में भी ये कवर किया था जब भी डिप्रेशन के हमने सेशन किए, कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल. तो वो सब चीजें हमारे अंदर है, बट टू एक्टिवेट दैट आउटसाइड यू हैव टू टेक अ पॉज फॉर पीस. और जब भी हम वो पॉज फॉर पीस करते हैं तो नेचुरली हमारी जो इंटेंसिटी, जो एंजाइटी की है या जो फियर की इंटेंसिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी. और उससे हमारा जो थिंकिंग पावर है, जो ओवर थिंकिंग या हमारे जो थॉट्स भी चल रहे हैं, उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी. बिकॉज हम उसको नाम देंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल, बट ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द थॉट्स. जैसे हम रास्ते में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल है, तो ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द थॉट्स हम जब भी करेंगे, तो जो बहुत सारा ट्रैफिक जाम है हमारे थॉट्स का, वो निकल जाएगा और वी आर एबल टू हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उसको और प्रोडक्टिविटी से हम कर पाएंगे वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी परफेक्टली. आई से के वी विल बी एबल टू डू. सो आई फील के इवन भाई जी एंड सिस्टर ज्योति विल ऑल्सो एग्री कि दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन डेफिनेटली वर्क. बट फ्रॉम द मेडिकल एंगल आई वुड लाइक सिस्टर ज्योति टू एड्रेस दिस कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है. श्योर, थैंक यू सिस्टर. बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट्स आपने बोले हैं. उससे पहले आई वुड जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू जो परम भाई जी बोल रहे थे, वेरन वो जो पांच कॉम्पोनेंट्स बता रहे थे, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग आजकल. यू नो हमने
we've stopped taking charge of our own lives. It's like to say humne apna remote control dusro ko de diya hai. So it's the outside factors jo different cheeze press karte hain, and we start feeling those emotions. Mujhe kisi ne bura bol diya, and I will start feeling differently. So we've become like a puppet, wherein hamara literally remote control, ya to humne jaise unhone components bataya, finances pe hum depend kar rahe hain, ya fir hamare relationships pe depend kar rahe hain, hamare academic achievement pe depend kar rahe hain, hamare work life pe. And interestingly, it is sort of unrealistic or bahut ideal situation hai ki ye sab jagah perfect rahega, aisa nahi hoga. And that is why it is important to bring the control. Wo जो रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को दिया हुआ है या दूसरे मटेरियलिस्टिक चीजों को दिया हुआ है, वो हमें खुद के हमें वो वापस लेना पड़ेगा. एंड वो वापस लेने का मतलब ये है जो आप बता रहे हैं कि अपने थॉट्स को, जैसे आपने बताया कि आप चेक कीजिए, है ना, आप जो बच्चों का एग्जाम्पल दे रहे थे कि यू नो पेरेंटिंग वाला एस्पेक्ट आपने बोला, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि काफी चीजें चेंज भी हो गई हैं विद टाइम. जैसे पहले पेरेंट्स वुड स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, आजकल इट इज जस्ट इजी. इवन एक साल या दो साल के बच्चे को शायद ये इजी है फोन पकड़ा देना, एंड यू नो यूर ऑफ, आपको बार बार उसको एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ वीडियो चला के दे दीजिए, एंड यू नो यूर बेसिकली पेरेंट्स अब यू नो बीइंग फेयर, शायद चीजें उनके लिए भी डिफरेंट हो गई हैं. आज शायद दोनों वर्किंग हैं एंड देयर इज अ लॉट टू मैनेज, बट एट द सेम टाइम उससे असर क्या होता है, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, लाइक यू नो यू मेंशनिंग अबाउट थॉट्स, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने, दूसरी अच्छी बात ये है कि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकती हूँ. अब मैं जैसा चाहूँ वैसा ट्रेन कर सकती हूँ. अगर मैं दो साल से ही अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर दूँ कि मैं 15 सेकेंड्स की वीडियो से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना चाहती हूँ, तो योर ब्रेन स्टार्ट्स लर्निंग दैट. तो अगर आप 15 सेकेंड्स, जैसे हम रील्स आजकल देखते हैं या शॉर्ट वीडियोज चलता है, हमारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे उतने का ही हो गया है. मतलब अगर टू इमेजिन कि एक इंसान एक जगह बैठ के एक घंटा कुछ देख लेगा, यू नो इट्स बिकम अनरियल, एंड वी आर बिकमिंग वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन. जिसका मतलब ये है, क्योंकि मेरी व्हाट वी ट्राइंग टू ऑल्सो डू इज, क्योंकि हम इतना ज्यादा मीडिया और इतना ज्यादा बाहर की चीजें देख रहे हैं, जिससे हमारा ब्रेन यू नो एक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है विद द गोइंग न्यू जनरेशन, विच मीन्स कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक उसे वॉच आउट करना कि एक्चुअली यू नो आई कांट स्टैंड मोर देन 30 सेकेंड्स ऑफ अ वीडियो, या मेरा अटेंशन स्पैन हिल जाता है. तो एक वो पार्ट है जिसका शायद सोल्यूशन लाइक वी आर टॉकिंग वुड प्रोबेबली बी doing something called digital detox, wherein make an effort. And hum bahut beautifully subah uthte hain, phone se uthte hain, phone ke messages dekhte hain, we go to a breakfast table, hum TV ya kuch aur kuch, you know, ya fir hum fir bhi apne TV phone pe hi news dekh rahe hain, TV pe news dekh rahe hain, wahan se we swap to workplace jahan hum laptop use kar rahe hain. So hum continuously screen you know hop kar rahe hain, but we are not detoxing anything. So one good thing would be कि आप conscious efforts ले, you know, जैसे सोने से एक घंटा पहले don't touch anything, don't touch any digital thing, spend your time without a screen. That could be one thing to do, ताकि आपका brain ये भी सीखे कि मैं, मुझे हर बार screen scroll करने की या फिर बहुत सारी information की जरूरत नहीं है. I can also peacefully you know, do something else, say read a book before going to bed and so on. And the other bit was talking about jo hamari needs hai and how jo aap inner qualities ki baat kar rahe the aur jo shayad Param bhai ji ne start bhi kiya tha, and it would be interesting to know the spiritual you know side of knowing yourself. Kyunki therapy mein jab bhi hum exactly yahi karte hain, jab कोई भी पेशेंट आता है with you know anxiety as a complaint, we try to sit down to see okay kya thoughts hain, कौन सी सिचुएशंस हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दैट रिमोट कंट्रोल टू देम. सो एसेंशियली से यू नो यू प्रोबेबली डूइंग अफर्मेशन एक वन ऑफ द थिंग्स, एंड आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हम कौन कौन से अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं. बट द आइडिया इज कि आप कंट्रोल वापस लें, एंड जो हमारा नीड वाला कप है
या जो हमारी आइडेंटिटी है उसे हम खुद फिल करें रादर देन हम दूसरे कॉम्पोनेंट्स के पास जाएं कि रिलेशनशिप को बोले कि हमारी लव की नीड फुलफिल कर दीजिए यू नो. बट क्या मैं खुद लाइक वी टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर या सेल्फ लव, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो यू नो आई मेक माई ओन सेल्फ केपेबल इनफ टू सॉर्ट ऑफ नॉट रिलाई ऑन फैक्टर्स आउटसाइड अस. तो आपका क्या कहना है पूरन जी, यू नो हाउ कैन समवन यू नो फिल देयर ओन कप्स रियली रादर देन गोइंग अराउंड वो ग्लास लेके कि आप भर दीजिए प्लीज. Beautifully said, sister, ki glass leke jaiye, aap bhar dijiye. And wo glass, I think, is something which is our inner self, if you relate to it. Ki haan, main khali hoon, mujhe pyaar de do, mujhe khushi de do, mujhe compliment de do, mujhe kuch aisa keh do ki taaki main bahut khush ho jaun aur mera din ban jaye. And we are dependent upon that. Bachpan se lekar bade hote tak hum pura time hum isme laga dete hain ki hum logon se pyaar hum kahin na kahin se pa le. या मैं ऐसा कुछ करूं जिंदगी में ताकि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे अच्छा बोले. लेकिन क्या मैंने अपने आप को अच्छा कहा? क्योंकि अगर मेरा वो ग्लास पूरा होगा ना तो मुझे किसी और से भरने की जरूरत नहीं होगी. एंड जहां पे आपने कहा कि हाँ हमारा ब्रेन होता है इतना पावरफुल है, आज साइंस कहती है ब्रेन इज पावरफुल, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सोल इज पावरफुल. अब यहाँ पर हम आप क्यों आए आज इस हमारे साथ में एज अ गेस्ट, बिकॉज आज हम वही बात करने वाले हैं कि ये ब्रेन पावरफुल है कि सोल पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है. कि कोई ना कोई तो रन कर रहा है ब्रेन को भी. तो अगर हम ये पहचाने आज कि हाँ ब्रेन एक फैकल्टी है जिसमें कि डिफरेंट लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एंड बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू काम कर रहे हैं. और आज अगर हम देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन भी रखा हुआ है, कहा गया कि सबसे मोस्ट पावरफुल ब्रेन जो कि 15% टू 11% कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी थी. तो बाकी कैपेसिटी कहाँ चली गई, कहाँ गुम हो गई अगर वो ब्रेन था तो? बिकॉज ब्रेन एज एन अ होल इज होल, लेकिन उसको हम क्यों नहीं यूज कर पाए 100%? उसका कारण यही है क्योंकि हमारा टाइम सबसे ज्यादा इसी में चला जाता है कि हम लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों से अपने आप को कंप्लीट करने में हम रह जाते हैं. तो हमने अपने आप को कुछ इंपॉर्टेंस दी नहीं, अपने आप से प्यार करना नहीं सीखा है. और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार कर सकता है, चाहे आप अफर्मेशन से करें चाहे किसी भी तरीके से करें, जो अपने आप को प्यार कर पाता है, वो मैं फिजिकल प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहने आज, ये बहुत अच्छा हैंडसम दिख रहा हूँ, वो नहीं. अगेन वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो हर दिन चेंज हो सकता है. कल कुछ हो गया, चोट लग गई फेस में, कुछ अगर झुरियाँ आ गई, खत्म, यू आर गॉन टोटली, एंग्जाइटी स्टार्ट फिर से. So it is important to detach from that physical self and move towards a non-physical self. The brain is also a physical self. So there's something which is non-physical apart from the brain also. That is the spiritual self. So I personally use certain affirmations. जो मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ affirmations. And affirmations use करने से पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं करता हूँ अपनी लाइफ में. वो है gratitude, thankfulness. एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है आजकल माइंडफुलनेस का. तो हम अगर माइंडफुलनेस कहें तो माइंड तो फुल हो गया पूरा, लेकिन किस चीज से फुल कर रहे हैं हम? या तो हम अपने फिजिकल ईगो अकम्पलिशमेंट से उसको फुल कर रहे हैं और उसी के बारे में अफर्मेशंस बना रहे हैं कि मैं आज बहुत धनी हूँ, मैं आज बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ. ये फिर लिमिटेड चीजें हो गई. देखिए हमें उन अफर्मेशन से भी दूर जाना है, बिकॉज वो सारी चीजें आज हिल सकती हैं. एक कोविड आ गया, वो हिल सकता है. फाइनेंशियल सिचुएशन हिल सकती है, लुक्स हिल सकती हैं आज, रिलेशनशिप्स हिल सकते हैं आपके. तो हमें इन सब चीजों को भी दूर करके हमें ऐसे अफर्मेशंस बनाने हैं जो कि ग्रैटिट्यूड वाले अफर्मेशंस हो, थैंकफुलनेस वाले अफर्मेशंस हो, जो कि मुझसे रिलेटेड हो, सेल्फ से. तो मैं कैसी आत्मा हूं, मैं कैसा स्पिरिट हूं? तो मैं रिच स्पिरिट हूं कि गरीब स्पिरिट हूं? रिच मतलब क्या हो गया, मेरे पास में कौन सी क्वालिटीज हैं? क्या मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है? क्या अंदर मेरे अंदर पेशेंस है? क्या मेरे अंदर टॉलरेंस है? क्या मेरे अंदर सबको प्यार करने की, सबको एक प्रकार की ब्लेसिंग्स देने की आदत है? कि नहीं नहीं मैं तो पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी को ही ब्लेसिंग्स दूंगा, या मैं अगर इंग्लिश हूँ तो मैं इंग्लिश को ही ब्लेसिंग्स दूंगा और बाकी जाए भाड़ में. यूज करते हैं लोग ऐसे वर्ड्स, वो तो स्पिरिचुअल नहीं हुआ. वो तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कनेक्ट टू अ वे ऑफ एक्चुअली बीइंग थैंकफुल टू द सुप्रीम ऑलमाइटी दैट थैंक यू for everything which you have given me apart from the physical things. That is, thank you for the patience, kyunki aap to patience ke sagar ho. Thank you for the humility, kyunki aap to namrata ke sagar ho.
थैंक यू अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है वो तो आपने मुझे दिया है, थैंक यू आपने मेरे अंदर हमेशा हंसमुख रहने की खुशी की आपने मेरे को ताकत दी है, थैंक यू आपने मेरे को औरों के अंदर अच्छाई देखने की आपने मुझे क्वालिटी दी है। क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं? अगर हम यही एक छोटी बच्ची को बोलें कि देखो तुम ना आज इतनी सुंदर हो ना छोटी सी, जब बड़ी हो जाओगी ना, जब 60 साल की पहुंच जाओगी ना, तो देख लो एक चीज याद रखना कि तुम्हारे अंदर जितनी पेशेंस है ना, तो वो पेशेंस ही घर को बांध के रखेगी, तुम्हारे लुक्स नहीं बांध के रखेंगे उस घर को, क्योंकि तुम उस समय झुरियां आ जाएंगी तुम्हारे उसमें फेस पे। अगर आज बच्चे को यही अगर एजुकेशन दी जाए बचपन से कि तुम्हारे अंदर जो ह्यूमिलिटी है, धैर्यता है, मधुरता है, ये जो क्वालिटीज है वो तुम्हारे साथ सदा रहेंगी, तो उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना भगवान को, थैंक यू बोला कि थैंक यू भगवान आपने अगर मेरी लुक्स अगर मेरी खत्म हो जाए, मेरा धन संपत्ति खत्म हो जाए, तो मेरे पास में एटलीस्ट ये चीज तो रह गई है। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते आपने बोला ना इतना सुंदर की फोन उठाने से अच्छा क्या करो, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू गॉड कि कल मैंने पेशेंटली वो इंसान से बात करी इसलिए मेरे कर्म ठीक रहे, और अगर मैंने उसको गुस्से से अगर बात कर ली होती तो आज रात भर मेरे को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती मुझे। अगर मैंने उसको जवाब दे दिया होता, बहुत अपने आप को बड़ा समझ लिया होता, देखा मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी, उसको अपनी जगह पर रख दिया, उसको मैंने उसको सिखा दिया कौन है मैं कौन हूं, तो रात भर नींद नहीं आती। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे पेशेंस दिया, आपने मुझे टॉलरेंस दिया, आपने मुझे स्वीटनेस दी है, ये क्वालिटीज का हम धन्यवाद करें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। कितनी बारी मांगते हैं फॉरगिवनेस हम। I have an affirmation, 31 points in my diary. In this, my one affirmation is: When I get up in the morning, I say, "Thank you so much, and I please forgive me all the human souls, all the animal souls, even the five elements." आज लोभ के कारण हमने five elements को भी गलत तरीके से use किया हुआ है। बत्ती चल रही है, light on है, geyser on है, उसके हम care नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो बत्ती आने के लिए five elements कितने use हो रहे हैं? So sorry, five elements, I've been misusing you. Sorry, animal souls, I might be a vegetarian, non-vegetarian, I might be eating you or might be not taking care of you. I might not be feeding you. आप मेरे को सामने से दिख जाते हो बेचारे, हड्डियां निकली हुई डॉग की, लेकिन मैं उसको फीड नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ सिर्फ। सो सॉरी अगर मैंने आपके साथ में ऐसा बिहेवियर किया हो। सॉरी फाइव एलिमेंट्स। सॉरी ऑल द सोल्स, मैंने कल आपके साथ में अच्छी से बात नहीं करी हो, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्राउंड योर सेल्फ, बिकॉज ग्राउंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक हमारे अंदर एंग्जाइटी रहती है। Grounding करना बहुत important. And third thing which I use for myself, which everybody can use, is I tell myself every day that I am nobody. I am nothing. I am no one. I am zero. In front of every soul on this earth, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, मैं zero हूँ. I want to be zero because zero से बनता है hero. तो जब तक मैं जीरो नहीं बनूंगा, जब तक मेरे अंदर अहंकार नहीं खत्म होगा कि मैं ये हूँ, मेरी इतनी डिग्रीज है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस है, मैंने इतने अवार्ड्स पाए हैं, मैंने इतनी सारी चीजें करी हैं, जब तक मैं जीरो नहीं बनूंगा तब तक मैं परमात्मा की नजर में, भगवान की नजर में कुछ नहीं बन पाऊंगा। सो फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू ग्राउंड माई सेल्फ, एंड एंग्जाइटी वहीं पर खत्म हो जाएगी। जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इफ आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, देन अच्छा कर लो मेरी बेइज्जती कर लो, कितनी कर सकते हो। अच्छा मैं जीरो हूँ, मैंने कुछ नहीं अकम्प्लिश किया, अच्छा अब मेरी बेइज्जती करके देखो। जब मैंने अपने आप को कबूली कर ली कि मैं दुनिया के सामने कुछ भी नहीं हूं, आई एम नोबडी, आई एम जीरो, आई एम नो वन, ऑटोमेटिकली नोबडी कैन इंसल्ट मी, एंड इंसल्ट के कारण आज लोगों की रातों की नींद गई हुई, इंसल्ट के कारण लोगों के अंदर पैल्पिटेशंस हैं। मैं उससे बदला लूंगा, उसमें बताऊंगा, उसमें दिखा दूंगा, पैल्पिटेशंस थ्रू आउट द नाइट। बदला लेने के लिए लोग अपने आप को रात भर नींद से खत्म कर देते हैं। तो आई थिंक दीस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सिस्टर नेहा यू कैन put some light onto it, because some meditation में अपने आप को ground बहुत करते हैं हमेशा। Yeah, let's do some quick meditation also. Surely. लेकिन इससे पहले एक point जो मैं कहना चाहती हूँ कि like you know when we are with a fear या हमें worst thoughts आ रहे हैं, तो that time if you know सिंपल भाषा में मैं वो कहूंगी कि वेस्ट थॉट इज लाइक यू नो जब भी हमने ज्यादा खाना खा लिया है और हमें हमारे पेट में ऐसे लग रहा है कि नाउ वी वांट टू वॉमिट, यू नो, तो जब भी हम वॉमिट कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है,
तो वेस्ट थॉट इज ऑल्सो लाइक यू नो दैट ज्यादा खाना फॉर अवर माइंड, और उसको भी वॉमिट करना बहुत जरूरी है. तो वो वॉमिट हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो डायरी रहेगी वो डायरी में यू जस्ट नोट डाउन जो भी आपको आ रहा है अभी माइंड में, कि जब भी ऐसे लग रहा है कि फियर हो रहा है, सो जस्ट नोट डाउन कि व्हाई यू आर, तुम्हें क्यों फियर हो रहा है, क्या बात चल रही है, क्या थॉट चल रहे हैं, जस्ट नोट डाउन. जैसे आप नोट डाउन करोगे यू आर वॉमिटिंग यू नो इन टू द डायरी. सो जैसे वो आपकी वॉमिटिंग टू द डायरी खत्म हो जाएगा ना, तो आपका जो इंटेंसिटी जो है वो फियर की जो वो एकदम ही कम हो जाएगी, एंड देन यू विल सडनली फील के यू आर वेरी रिलैक्स्ड. तो लेट्स जस्ट डू क्विक मेडिटेशन, देन अवर गेस्ट हैज आल्सो ऑलरेडी ही इज लिसनिंग एंड वी आर गोइंग टू गो टू हिम वेरी सून टू टेक हिज व्यू. बट उसके पहले लेट्स डू सम फ्यू पॉइंट्स फॉर मेडिटेशन. तो जो जहां भी है लेट्स सिट अलर्ट. थोड़ी देर हमारे जो थॉट्स है उसको समुंदर की लहरों के जैसे आने दे और जाने दे. थॉट्स आएंगे जाएंगे. Let's now just go back to last few hours of our life today. आज हमारे पिछले दो चार घंटे कैसे गए वो हम चेक करते हैं कि लास्ट चार घंटे में क्या हुआ, कौन सी चीजों ने, कौन सी बातों ने मुझे परेशान किया और मैंने क्या रिएक्शन किया. इन बातों को अपनी बुद्धि की डायरी में कुछ क्षण के लिए नोट करें. अब हम जैसे भगवान आपको कह रहा है कि लास्ट तीन घंटे आज के मैं आपको फिर से देता हूं, आपके वो तीन घंटे लेट्स रिवाइंड. और अब आप देखिए वही परिस्थितियां, वही बातें, वही चीजें हमारे जीवन में हो रही है. इसको भी अपनी बुद्धि की डायरी में नोट करिए. और अब इन दो सिचुएशन को कंपेयर करिए और देखिए कि कौन सी सिचुएशन में आपकी मन की स्थिति अच्छी रही. ओम शांति. I think सबको आंसर ऑलरेडी मिला होगा कि when we कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन सी सिचुएशन में यू फाउंड योर सेल्फ इन अ गुड थिंग, फर्स्ट वर्जन या सेकेंड वर्जन ऑफ द मेडिटेशन. Anybody who would like to share? Anybody? कोई बताना चाहेगा? Anyone? कोई भी आके बता सकते हैं? आप अपने को अनम्यूट करिए kindly.
हाँ तो ऐसे लग रहा है कि कोई आप लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, सब साइलेंस में चले गए ऐसा सिस्टर नहीं आपकी है ना मेडिटेशन से। कि सबने ऑनलाइन आए हैं एंड देन यू आर स्लीपिंग है, या यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ एंड वी आर यू नो एंजॉइंग अवर सेल्फ फॉर यू, ऐसा नहीं है ना। तो कोई मतलब ये दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, और इसको अभी ही अगर हम शेयर करें तो जो और भी सुन रहे हैं तो उनको एक डेफिनेटली फायदा होगा। कोई मेडिटेशन किया? एंड सिस्टर आई थिंक मेरे ख्याल से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर ये आपके लिए क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है। इसमें आप मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हम तीनों में से कोई भी स्पीकर से आप पूछ सकते हैं, एंड आपकी गाइडेंस के लिए हम रेडी हैं। एंड जो आपको बताया गया है वो आपको प्रैक्टिकल बताया गया है, कोई ऐसी चीजें नहीं कि जो कि मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपके सामने सिस्टर भी है, प्रैक्टिस करती है, मेरी अपनी खुद की डायरी भी है, मैं इसमें डायरी में अपनी चीजें लिखता हूँ। सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। एंड सिस्टर ज्योति भी हैं, शी इज हेल्पिंग अदर्स बिकॉज वो खुद भी वो चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करती है। तो काइंडली अपने क्वेश्चंस रखिए, एंड उसके बाद में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एंड हमारे रोहित भाई जी भी हैं, वो भी अपनी टिप्पणी देंगे आज के सेशन के बारे में। एंड ये लाइव फेसबुक पे भी चल रहा है एंड ये यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा। सो इसके लिंक्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, अगर आपके लव्ड वंस नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए भी आप उनको शेयर कर सकते हैं इन लिंक्स को। एंड अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, एंड औरों को भी वो लिंक भेज सकते हैं, आपको मैसेज आ गया होगा। इसमें हम तीनों लोग मिलकर के आपको गाइडेंस देंगे, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए एंड आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करी जाएंगी। तो आप उस व्हाट्सएप लिंक पे काइंडली क्लिक करिए, एंड इन द मीन टाइम योर स्टेज इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। मीनवाइल सब शायद अपने क्वेश्चन सोच रहे होंगे और शायद टाइप करेंगे या अनम्यूट करके बोलेंगे। आई थिंक इफ आई कैन क्विकली मेंशन समथिंग, हाँ जी आई थिंक मेडिटेशन एक आई थिंक आई कैन इमेजिन स्पेशली यूथ के अमंगस्ट में, आई थिंक हम एक देयर इज अ मिथ कि मेडिटेशन का मतलब है मुझे घर के कोने में बैठ जाना है आंख बंद करके एंड सिर्फ ब्रीदिंग करनी है और बिल्कुल आवाज नहीं करना है और जीरो थॉट होना चाहिए। सो आई थिंक एंड वो थोड़ा अनईजी होता है इनिशियली सोचना कि ऐसे कैसे 1 घंटा आप बिना कुछ सोचे आंख बंद करके कोने में बैठ जाओ, राइट। सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि आप दोनों हमें यू नो बता रहे हैं, जैसे बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली सिस्टर ने एक हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस कराया कि मेडिटेशन में मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंख बंद कर देना है और कुछ नहीं सोचना है, बट क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो सारी गाइडेंस आई थिंक वो न्यू होता है। एंड आई थिंक मेडिटेशन मुझे जब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था तब तक मुझे लगता था कि बहुत एक बोरिंग जैसा शायद कुछ होता होएगा, वेर इन यू नो देयर इज नॉट अ लॉट टू डू, एक रेपिटेटिव ट्रांसक्रिप्ट लोग फॉलो करते होंगे। बट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मेडिटेशन यू रियलाइज इज सो मच यू नो ऑन एवरी कॉम्पोनेंट कितना कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रैटिट्यूड बताया, यू नो यू कैन मेडिटेट ऑन दैट, आपने 5 तत्व बताए, ऑन नेचर, ऑन योर सेल्फ, अभी जैसे रिफ्लेक्टिव वाला सिस्टर ने कराया, वेर इन यू नो इट्स ऑन योर थॉट्स, कैसा रहा आपका पहले कुछ फ्यू आवर्स एंड अब यू नो विद अ डिफरेंट साइड टू इट। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी रिफ्लेक्टिव एंड अ वेरी एम्पावरिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। And even therapeutic models may nowadays we do talk about meditation, you know, which is an evidence based therapeutic model. There's something called mindfulness based cognitive therapy and so on. And I think uski need isliye hi hui hai kyunki hum itna aaj ke time mein hum itna zyada brain activity that we really need to stop, you know, pause, live in the moment, live here and now. So I think wo sare components आपको आप में से भी जो सुन रहे हैं, अगर आप भी शायद मेरी तरह कहीं सोचते हैं कि अगर मेडिटेशन का मतलब यही है कि यू नो साइड में जाके सिर्फ बैठ जाना है आंख बंद करके फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक्चुअली अपना काम करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अगेन विच आई डिडंट नो अबाउट पहले। सो अगर आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज
यू नो शेयर कीजिए या पूछिए क्योंकि आप अकेले नहीं है. आई मीन आई वॉज देयर कपल ऑफ इयर्स अगो. सो इट्स जस्ट आई जस्ट वांटेड टू से इट आउट लाउड. लवली क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ सकते हैं अभी. I think अगर किसी के questions नहीं आ रहे हैं तो let's quickly welcome today's guest sure. of honor जो अहमदाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. We welcome सरस्वती चंद्र आचार्य जी. जैसे इनका अगर मुझे definition एक ही इसमें अच्छे शब्द में बताना है तो मैं कह सकती हूँ कि सरस्वती is a विद्या की देवी, चंद्र चंद्रमा की शीतलता एंड आचार्य इज अ गुरु. जैसे हम लोग गुरु का आचार्य देते हैं तो सरस्वती चंद्र आचार्य जो एक इनको जैसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम कुछ कर रहे हैं एंड आपको अगर इसमें कुछ इंटरेस्ट है बिकॉज वो खुद भी एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, हेलो गुजरात चैनल के फाउंडर है, अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर है, फिर वो खुद भी एक उनका गौशाला है उसमें एडॉप्ट वन काउ ऐसा उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है. साथ में आई मीन मल्टीटास्क है. अभी रिसेंटली एक मूवी में उन्होंने काम किया हुआ है, छोटा सा उनका रोल है. तो मतलब मल्टी टैलेंटेड मल्टी पर्सनालिटी है वो. एंड जैसे बहुत टाइम वो ब्रह्म कुमारीज के भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं कवरेज करने के लिए बिंग पत्रकार जर्नलिस्ट होने की जैसे. और उन्हें खुद को भी एक साधना में इंटरेस्ट है एंड एक उनका जो व्यक्तित्व है वो भी एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व है. तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनको हमारे शो में वेलकम करना चाहती हूँ. आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने बहुत ही कम समय में हमें तुरंत हाँ कहा और आप जुड़ गए और मैंने देखा कि आप बहुत ही ध्यान से आप हमारे पॉइंट्स को सुन रहे थे एंड शायद आप उसको नोट डाउन भी कर रहे थे. तो मैं अभी आपसे एक हम सुनना चाहेंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी फियर तो उसके बारे में आपके क्या विचार है. और आप एज अ जर्नलिस्ट आपके पास तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती भी होगी तो आप थोड़ा उस पर भी हमें प्रकाश डालकर बताएं आचार्य जी. जी नमस्ते. आप मुझे सुन सकते होंगे मैं उम्मीद करता हूँ. मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही होगी आप सबके पास. और शिवनेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अच्छा इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए. मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे दर्शकों के साथ इस मंच पर जुड़ते हुए. और मैं प्रारंभ से ही आप सबको सुन रहा था और कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगी. जैसे अध्यात्म या कुछ चीजें हैं वो अनुभूति का विषय अधिक है, शब्दों का कम है. तो आपने जो ध्यान कराया, मेडिटेशन कराया, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ जवाब हमें अपने अंदर से मिलते रहते हैं. सभी चीजें उनके उत्तर हमें बाहर से खोजने की जरूरत नहीं होती. रिस्पेक्टेड ब्रदर ने एक बहुत अच्छी बात की कि ब्रेन वर्सेस सोल. क्योंकि जब मनुष्य का शरीर विकसित होता है उनके पास एक अच्छा दिमाग होता है जिसके पास बुद्धि होती है और उस शरीर में आत्मा निवास करता है. तो क्या अधिक इम्पोर्टेंट है मन जो विचार करता है, मन जो हमें डायरेक्शंस देता रहता है, मन जो हमारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करता रहता है. जैसे कि अभी बाहर -5 डिग्री टेम्परेचर है, ये एक इन्फॉर्मेशन है लेकिन मन उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेगा और गाइड करेगा कि ये ठंडी ठंड कोल्ड कहलाई जाती है. अगर बाहर जाना है तो कोट पहन के जाना, सर्दी लग सकती है. और रही बात आत्मा की, जब कोई मनुष्य की मृत्यु हो रही हो तब उसे कितना ही अच्छा फूड खिलाया जाए क्या वो जिंदा रह सकता है. कोई अस्पताल में मरीज मर रहा हो
उसको कितने सारे इंजेक्शन दिए जाए, अच्छी से अच्छी दवाइयां दी जाए, क्या उसका जिंदा रहना रखना हमारे हाथ में है, मुमकिन है? आत्मा या प्राण जब तक शरीर में है तब तक ही मन और बुद्धि का अस्तित्व है, लेकिन ये इनका मन बुद्धि और आत्मा का जो संबंध है वो बहुत निराला है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को कुछ चीजें देजावू होती है कि ऐसा तो हम मिल चुके हैं या हो चुका है, कुछ लोगों को अपने पुराने जन्मों के बारे में याद आता है, कई सारी चीजें रिकलेक्ट उनको हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो तीव्र भावनाएं होती है हमारे अस्तित्व की, जो हमारे मन और शरीर के द्वारा आत्मा तक पहुंचती है, चाहे वो नफरत की हो, प्रतिशोध की हो या प्रेम की हो, वो आत्मा में अंकित हो जाती है और वो आत्मा का डीएनए फिर आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करता है तब उसमें उजागर होती है या कर्मों के स्वरूप में उसके फल भुगतने होते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब विषय है और इनर जर्नी के शुरुआत यहीं से होती है, तो हम कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर भी मैंने कुछ जो सोचे हैं मुद्दे वो आपसे मैं साझा करूंगा। काफी कुछ आप लोगों ने बताया तो उसको मैं रिपीट करना तो वैसे नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें एंजाइटी की ओर ले जाते हैं, चाहे मॉडर्न एज हो, प्रिमिटिव एज हो या मीडियवल एज हो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, पहले हम कहे कि हमारे पास इतने सारे गैजेट्स है, इतना सारा काम है, आज का जमाना है, तो इसमें एंजाइटी तो आएगी, लेकिन जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था तब भी कुछ चिंताएं तो उसके पास थी, शिकार करने की, खाना खाने की, बारिश आए तो कहाँ आसरा लेंगे, बच्चा पैदा हो रहा उसको जिंदा रखने की, कई सारी चिंताएं हर एक अपने अपने समय में मनुष्य के पास रही है, सभी प्राणियों के पास रहती है, लेकिन मनुष्य का मन अधिक विकसित है तो वो पुरानी यादें जोड़कर रखता है, उससे कुछ सीखता है, उससे कुछ वो सीखता है, उससे ऊपर से कुछ नतीजे पर आता है। आज के जमाने की बात करें तो एंग्जाइटी बहुत सारे फैक्टर्स से हो जाती है, टारगेट्स हमारे पास होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी आप काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट में हो, टारगेट्स अचीव करने हैं, एक्सपेक्टेशन है सबकी कि भाई माँ बाप को चाहिए कि हमारी संतान है वो सबसे ऊपर रहे, स्पाउस को चाहिए कि उनको दूर कराई जाए, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता रहे, बच्चों को चाहिए कि भी हमें हमारे पेरेंट्स टाइम दे, हमें खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जिनके ऊपर खरे उतरे, तो दूसरों की भी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर वो जब रियलिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो एंजाइटी होती है। कुछ सिचुएशन से भी होती है कि कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन में हमें रख दिया गया तो हमें एंजाइटी होगी, जैसे किसी को स्टेज फियर है, उसको 1000 के ऑडियंस के सामने बोला गया कि आप स्टेज पर आइए और संबोधन कीजिए, तो जाहिर है कि एंजाइटी होगी। सिचुएशन से होती है, कॉम्पिटिशन से होती है, सबको पहले आना है, टॉप 10 में रहना है, चाहे स्टूडेंट हो या चाहे कोई कामकाजी इंसान हो, तो कंपटीशन तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। परफेक्शन भी एंजाइटी लाता है कि मुझे परफेक्ट रहना है, परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट परफॉर्मेंस देना है, अभी जैसे कि मुझे शो में आना है तो टाइम पे आना है, रेडी होके आना है, नेट तो अच्छा चलेगा कि नहीं, मेरा डिलीवर प्रॉपर होगा कि नहीं, ये सब भी अगर आप टेंशन या सीरियसली लेते हो तो एंजाइटी हो सकती है। आप स्थितियों को और चुनौतियों को और अपने आप को और दूसरों को किस प्रकार से आप मूल्यांकित करते हो उसके ऊपर आपकी एंजाइटी निर्भर रहती है। और कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे जैसे आपने बताया पत्रकारिता का है, पुलिस का है, लॉयर का है, राजनीति का है, कि जिसमें अगले ही पल क्या होगा, आप कहाँ होंगे, सिचुएशन क्या होगी, आपको पता नहीं है, तो आपको ऑलवेज अपडेट और रेडी रहना पड़ता है, तो इससे भी एंग्जाइटी होती है। और कई बार लेक ऑफ प्रिपरेशन से भी होती है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अब एग्जाम है नेक्स्ट वीक या प्रेजेंटेशन देना है, कुछ रेडीनेस हमारी है नहीं, अब रात को जगना पड़ेगा, चिंता एंग्जाइटी। और सबसे ज्यादा आज के सोशल मीडिया के टाइम में वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, हम अपने आप को जितना वैलिडेट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा शो तो अच्छा ही जाना चाहिए,
मेरे रील को तो कम से कम 4-5 हज़ार व्यूज तो होने ही चाहिए, लोग क्या कमेंट करते हैं, लोग क्या रिमार्क देते हैं, उसके ऊपर कईयों की एंजाइटी या पीस निर्भर रहती है। और कुछ लोग तो आपने देखा है, खास करके टीनेजर सुसाइड भी कर लेते हैं कि मुझे ये ह्यूमिलेट किया गया या ऑनलाइन मुझे बुली की गया या मेरा अभी कोई फ्रेंड नहीं है या लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कैन बी अ फैक्टर ऑफ एंजाइटी। तो ये सब मुझे लगता है शिवनेहा जी आपने अपनी किताब में भी लिखा है इन सब के बारे में, शिव किरण हिंदी में और शिवरेज मुझे याद आ रहा है अंग्रेजी में जो आपकी किताब है, इसमें छोटे छोटे एक पैराग्राफ के रूप में इन सब मुद्दों को आपने डील किया है। और मैं अपना अपनी बात आगे तो बताता रहूंगा, लेकिन मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे डायलॉग करने में या क्वेश्चन को डिलीवर करने में भी खुशी होगी, अगर किसी के क्वेश्चन है तो भी बीच बीच में हम ले सकते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा है लाल भाई साहब ने, दीज डेज सो मेनी स्मॉल चिल्ड्रन आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग देम एंजाइटी डिप्रेसेंट मेडिसिंस, सो इज इट गुड टू अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेडिसिन अदर देन मेडिटेशन, व्हाट आर अदर अल्टरनेटिव्स वी कैन टीच चिल्ड्रन टू ओवरकम एंजाइटी। हमारे एक्सपर्ट्स के पास इसका जवाब, जो उसके पहले जो मैं मेरा व्यू है बता देता हूँ। जैसे आपने अभी पहले भी बात की कि अक्सर माँ बाप अपने अधूरे ख्वाबों को आरोपित करते रहते हैं अपने बच्चों में, ये मैं नहीं बन सका तो तू ये बने, एक्सप्रेसली या अनएक्सप्रेसली, तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कई बार स्थितियां ही ऐसी होती है कि भाई बेटा है अब पढ़ेगा तो घर का खर्च उठाएगा, पापा रिटायर हो गए हैं, शादी करनी है, उस आप आखिरी उम्मीद होते हो, कई बार ऐसा होता है। तो और बच्चों के लिए जैसे मेरे बच्चे पढ़ते थे यहाँ अहमदाबाद में श्रेय स्कूल में, तो वहाँ 9th स्टैंडर्ड तक 8th स्टैंडर्ड तक एग्जाम ही नहीं थी, तो एकदम स्ट्रेस फ्री रहते थे। यूनिफॉर्म की 3 चॉइस रहती थी, जो पहनना है पहन के आओ। हम भारतीय परिवेश में जीते हैं, कंपल्सरी सॉक्स शूज पहनने की क्या जरूरत है, आप चप्पल स्लीपर पहन के भी आ सकते हो। तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को कितना रिलैक्स रखते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम उस पे एंग्जाइटी थोपेंगे या उनको नियमों के बॉक्स में बंद करेंगे तो वो हमें भी लागू होगा, वो हमारे ऊपर वो ही करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है वो सुनते कम है लेकिन देखते ज्यादा है। अगर मुझे उनको बताना है कि भाई सादगी से कैसे आनंद से रहा जाता है, तो मुझे वो पहले जीकर बताना होगा। मैं उनको बोलूंगा कि तुम 5 बजे उठ जाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, रोज एक किताब पढ़ो, फास्ट फूड मत खाओ, तो उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन वो देखेंगे कि मेरे एल्डर से, मेरे पेरेंट्स से वो इस तरह से जीते हैं, तो वो अपने आप ही वो क्वालिटीज इम्बाइब करेंगे मुझे लगता है। और एंटी डिप्रेशन पिल से वो आखिरी इलाज हो सकता है, बाकी हमारे पास मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, योगा है और हीलिंग है और अच्छा वातावरण है, केयर, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए। और बच्चों को अगर परिवार में अच्छा प्रेम मिलता है तो वो सबसे अधिक इफेक्टिव एंटी डिप्रेशन पिल है या जड़ी बूटी है। क्योंकि ओपन अप बच्चे कहाँ होंगे, जब परिवार में नहीं हो सकते तब वो कहीं और आसरा सोचते हैं, सोशल मीडिया में या किसी और अनजाने आदमी या लड़के लड़की के पास, और फिर उसके कुछ अच्छे बुरे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इनका जवाब हम एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता था यहाँ पर जी। सरस्वती आचार्य चंद्र, आपने सारी चीजों को, पॉइंट्स को अपने फोकस में लाया है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कही है कि पेरेंटिंग, जब पेरेंट्स ही इतने ज्यादा एंग्जाइटी में, इतने स्ट्रेस में है, तो वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे। रात को आकर के बच्चे मिलते हैं, ट्रांसफर वहीं पर होता है, गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर निकलता है, अपना खुद का जो स्ट्रेस है वो उनके ऊपर निकालते हैं। तो सबसे बड़ी मेडिसिन है कि अगर पेरेंट्स ही मेडिटेशन की मेडिसिन खाना शुरू कर दें। पेरेंट्स हैं हीरो हीरोइन हमारे बचपन से ही, पेरेंट्स ही हमारे हीरो हीरोइन होते हैं। और हीरो हीरोइन ही अगर ऐसा रोल प्ले करें जिसमें वो खुद ही स्ट्रेस में रहें, तो वो हमारे लिए हीरो हीरोइन नहीं रह पाते। एंड आपने जैसे कितना सुंदर कहा कि हमें फिर औरों की तरफ देखना पड़ता है, तो वो जो स्कूल में जो दादागिरी करने वाला, थोड़ा डॉन टाइप का,
वो हमें स्ट्रॉन्ग लगता है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा, तो फिर हमें लगता है कि नहीं यही राइट होगा, एंड वहीं से फिर हमारा डाइवर्जेंस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन और सबसे पहला मेडिटेशन हमारा अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। इसके पहले कि हमारा परमात्मा से हो, हमारे पेरेंट्स ही हमारे परमात्मा बन जाते हैं, और वो हमें जो सिखाते हैं, हमें जो वैल्यूज देते हैं, अगर वो सिखाते हैं कि बच्चे तुम्हारे अगर मार्क्स नहीं आए अच्छे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, मैं बाजू वालों को क्या कहूंगी, मेरे बाजू वाले बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए तुम्हारे से, एंड यहीं से एंग्जाइटी शुरू होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से आचार्य जी, हमें तो पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो आकर के सीखें कि बच्चों को एंग्जाइटी कैसे ना दें। एंड आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है, न्यूज चैनल से आपका अगर ये समाचार जो आप देना चाह रहे हैं अगर बहुत चारों तरफ फैल जाए, लोग बच्चों को ये समझ आए कि वो अपने पेरेंट्स को खींच खींच कर लाए कि आओ मम्मी पापा हम तो नहीं सुनेंगे, आप पहले सुनिए फिर जाकर हम सुनेंगे, तो आई थिंक विल बी अ वंडरफुल चेंज, वंडरफुल रेवोल्यूशन, बिकॉज इट्स अ सिनर्जी बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, एंड इट हैज टू बी, पेरेंट्स हैव टू बिकम द रोल मॉडल अगेन, उनको फिर से हीरो हीरोइन बनना है अपने बच्चों जी। मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमें खुशी होगी इस प्रोग्राम को और आपके प्रोग्राम्स को हमारे hellogujaratnews.com वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए, तो हमारे माध्यम से भी अपनी बात हम अनेक दर्शकों तक रख पाएंगे। तो बिल्कुल मैं अनाउंस करता हूँ अगर आपकी परमिशन है तो इस वीडियो को और सारे आपके वीडियोस को हम हमारी चैनल पर भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे एवरी संडे ब्रॉडकास्ट होते हैं, एवरी संडे 5 बजे से 6 बजे तक। इस बार एंग्जाइटी का हमारा फर्स्ट सेशन है, एंड और लोग जुड़ेंगे तो हम सेकेंड सेशन, थर्ड एक सीरीज बना देंगे इसका, एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, ब्रदर्स हैं जो कि आए हुए हैं, वो भी अपने अपनी बातें रखेंगे, मेडिटेशन सेशंस होंगे, एंड मेन फोकस मेडिटेशन पर है। एंड आपके चैनल पर हम अनाउंस भी करना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी एक लाइफ लाइन, कहते हैं ना कि मेंटल स्पिरिचुअल लाइफ लाइन में हम खोलना चाहेंगे बहुत जल्दी, जिसमें कि हमारे अराउंड 17-18 टीचर्स हैं जो कि एनी टाइम 24/7 अवेलेबल होंगे, कि किसी को अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और हमें वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपके हमें बहुत सहयोग मिले तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई साहब, आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। आज का प्रोग्राम के बारे में भी आज हमने पोस्ट रखा है हमारे चैनल पे, और मैं खास करके शिव नेहा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी, एंड सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमें करना चाहिए हमें ब्रह्म कुमारी दार्जिलिंग सेंटर को, जिसके दीदी सिस्टर सीनियर दीदी बीके मुन्ना दीदी एंड सीनियर बबीता दीदी वो ज्वाइन कर नहीं पाई आज किसी कारण से, लेकिन हमारे रोहित भाई जी आज हमारे साथ समक्ष हैं, जिनके कारण से, उनके सहयोग के बिना ये सब कुछ आगे बढ़ नहीं सकता था। हर समय हर हफ्ते वो हमें गाइड करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू हम आगे बढ़ पाए, एंड अगर उनकी अनुमति नहीं होती तो मैं आज ये कर भी ना पाता। मैं रोहित भाई जी को, हमारे सीनियर ब्रदर को यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। काइंडली भाई साहब आप आ दीजिए, एंड आप भी अपने मधुर वचन रखें हमारे सामने। ब्रह्म कुमार रोहित भाई जी जो कि पिछले 40 साल से सेवा में, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और दार्जिलिंग सेंटर पे समर्पित हैं, और बहुत लोगों की उन्होंने अपने जीवन बदले हैं अपने मधुर वचनों से। भाई जी आपके पास। ओम शांति, सभी को गुड इवनिंग। ओम शांति। जो सबसे ये तो परमपित भाई जी ने यो कार्यक्रम रखा, सबके लाभ के लिए ही है अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा मैं एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले तो आज भाई जी ने एक कविता से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो महेश भाई था। तुम आवाज़, हम आवाज क्या, तुम आवाज़ देता हम तक नहीं पहुँचता क्या है, लेकिन ये मेडिटेशन है टू वे कम्युनिकेशन। हमारा आवाज़ भी बाबा सुन सकते और हम भी बाबा की आवाज़ सुन सकते, वो पहुंच जाता है सूक्ष्म रूप में। उन्होंने इस कविता के द्वारा सभी को लाभान्वित किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज एंजाइटी जो संसार में बढ़ रहे हैं, ये तो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इसको हम मेडिटेशन के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इसका कोई दवा व इलाज नहीं होता है। तो सिस्टर स्नेहा मुंबई
थिंकिंग के पॉइंट के बारे में बताया कि इसके कारण है ओवर थिंकिंग, बहुत अच्छा उन्होंने बताया क्या क्यों कैसे हम ये पांच जो कौवे है ये कई कई के तरफ ले जाते हैं, कौ कई कई माना जो बनवास भेजने वाला, तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया। और इसमें चिंता और चिता के बारे में भी बताया, जो चिंता करते हैं उसका रिजल्ट तो चिता तक ही जाता है। हमने इसके एक डेढ़ मास पहले मैं एक कॉलेज में गया था सिक्किम में, तो प्रोग्राम किया था उस कॉलेज में, तो एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि कल हम दो महीने सुसाइड करने वाले थे, लेकिन आज के जो प्रोग्राम ने मुझे बचाया, सुसाइड जीवन का कोई सोल्यूशन नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग ने आज ये जीवन हमको बचाया, क्योंकि जहाँ समृद्धि होता है वहाँ एंजाइटी होता है। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य सिक्किम, धन दौलत गाड़ी मोटर सब में समृद्धि है, लेकिन 7 लाख पॉपुलेशन है वहाँ का, इंडिया का सेकेंड स्मॉलर स्टेट है, तो देखा जाए तो वहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा सुसाइड की संख्या आती है। तो हमें बच्चों में कार नहीं देना है, संस्कार देना है। थैंक यू सिस्टर स्नेहा, आपने इसके बारे में बताया और एंजाइटी के लक्षण के बारे में भी आपने सारी बातें बताया और दर्शकों को लाभान्वित किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे गेस्ट सरस्वती चंद्र आचार्य, उनके बोल से लगता है कि वो बहुत प्रखर एक विद्वान और विभूति है, और जो एंजाइटी बाहर से नहीं देखता है और अंदर से वो, और हमारे जो आंसर है वो बाहर से नहीं मिलता है, वो अंदर से मिलता है, वो अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, द्वापर के जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि था, तो उनके पास कोई टेलीविजन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उसका संकल्पों के द्वारा अभी अमेरिका के बाइडेन क्या कर रहा है वो देख सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात सारी आती है। और जो सिचुएशन के बारे में भी बताया उन्होंने, परफेक्शन क्या क्या, टेम्परटेशन क्या क्या आता है जीवन में, उसको हम फेस नहीं कर सकते, जीवन में आने वाली समस्याओं को अगर परीक्षा के रूप में नहीं लेते हैं और समस्याओं से एक हम नया पाठ अगर नहीं सीखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एंजाइटी भी हो सकता है। उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा, और सिस्टर ज्योति जी ने आपने बताया, और ये ब्रेन तो एक मशीन की तरह हो गया, तो मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया कि कोई आग बंद करने की चीज़ नहीं है, मेडिटेशन मतलब किसी से कनेक्शन जोड़ना, हर कार्य करते भी गीता में भी यही कहा है कि अष्ट योग जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, संन्यास योग है, बुद्धि योग है, और लास्ट में राजयोग। राजयोग मतलब राजाओं का राजा, कर्मी इंद्रियों रूपी प्रजाओं को कैसे राज करना है, वो ब्रेन से तो नहीं है। परमवीर भाई जी ने यह बहुत अच्छा बताया कि जो आइंस्टाइन का ब्रेन अभी भी लेबोरेटरी में है, उनका जो यूज किया है 11 से 15% तक, आज हम ब्रेन का जो 2 से 2.5 तक ही एवरेज में वो यूज होता है, लेकिन वो कार्य करने वाला ब्रेन नहीं है, और इसके अंदर में ब्रेन को चलाने वाला एक इमाइटल पावर सोल है, उसके बारे में भी परमप्रीत भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और माता पिता उनको बच्चों को ऐसे कैसे देखभाल करना है, बच्चों को अंदर की जो चाइल्ड साइकोलॉजी से कैसे हमें समझना है, अगर हम वो समझ नहीं लेते हैं तो बचपन से ही एंजाइटी या चिंता भय त्रास की वातावरण बन जाते हैं, बच्चे बनने चाहते हैं कुछ और माँ बाप बनाना चाहते हैं कुछ, इससे भी एंजाइटी उत्पन्न हो रहा है संसार में। तो इसके मैं अभी सारांश में जाता हूँ, मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ। जीवन में घटने वाला परोक्ष तथा अपरोक्ष घटना जो भी हो उसमें एक सुंदर लाभ के बारे में, लाभ ही होता है, लेकिन हम रिजल्ट या परिणाम को जल्दी अगर जानना चाहते हैं तो इसमें फिर समस्या उत्पन्न होता है और चिंता आ जाता है।
एक प्रोग्राम में एक लेडी गई थी तो उनके ये गुलाब के फूल से फूल एलर्जी होता था, वहाँ पर सारे स्टेज पर गुलाब के फूल से सजाए हुए थे, वो जब मंच पर बैठ गई तो उनके सारे शरीर में एलर्जी आ गया। उसने बोली कि गुलाब के फूल से मेरे पूरा एलर्जी आता है, इसको हटा दो। किसी ने उसको कहा है कि मैडम ये गुलाब के फूल जो है ना ये तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। जब उन्होंने ये सोचा तो उसका सारा एलर्जी खत्म हो गया। और जो हमारे एंजाइटी आते हैं, जो हमारे मन के सोच से आता है, इसलिए हमें थिंकिंग बिफोर थिंकिंग, सोचने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। बोलने का तो बात दूर है, लेकिन इसका आज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और आत्मा और शरीर के बारे में, और आत्मिक स्वरूप में रहने से, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अपने आप को शरीर से अलग, जाति धर्म भाषा प्रांत जो भी हो उससे अलग हो करके हम सभी को आत्मिक जैसे वातावरण तो बन जाता है, जैसे वातावरण बन जाता है रिएक्शन हजार गुना अपने ऊपर ही आता है। जैसे हम कर्म करेंगे ना उसका तो रिजल्ट परिणाम तो वैसे भोगना पड़ता है। इसका सारांश प्रोग्राम क्या है, यही था। सभी ने अपने अपने जो विचार बहुत ज्ञान युक्त सार युक्त और धारणा युक्त बताया। आप लोग सभी को बहुत बहुत दार्जिलिंग सेवा केंद्र की ओर से भी थैंक्स। परमप्रीत भाई जी ने यह कार्यक्रम चलाया और जो चला रहे हैं इसको और आगे बढ़े, मैं इसका भी शुभ भावना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एंड जितने भी आज सुंदर सुंदर यहाँ पे रोजेस आए हुए हैं, मेरे ख्याल से इन रोजेस को सुनकर के किसी को कोई एलर्जी तो नहीं हुई होगी, एंड सबको ये बहुत खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे आज। एंड इसके बाद भी जो भी सुनने वाले हैं, हम इतने सुंदर सुंदर रोजेस के अच्छे अच्छे, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं सुंदर दिखने में होंगे बाहर से लेकिन अंदर से और भी सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनकी बातें मधुर बातें, और उनके साथ में अगर आप मिलें तो प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपके साथ में मैंने व्हाट्सएप में एक आपको लिंक भेजा था, व्हाट्सएप का लिंक, जिसमें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एवरी डे उसमें हम कुछ पॉजिटिव चीजें इसी एंग्जाइटी से रिलेटेड उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे अगले एक हफ्ते से भी ज्यादा तक। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन और सीरीज में कन्वर्ट हो जाए तो आप प्लीज हमें मेंशन करें, एंड हम फिर से नए एपिसोड के साथ में एंग्जाइटी को लेकर के पार्ट टू लेकर के हम आएंगे जरूर अगले हफ्ते। ये सब डिपेंड करता है आप हमें कितने थम्स अप देते हैं उस ग्रुप में आकर के, एंड हमें कितने रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, रोहित भाई जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। एंड आचार्य भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना समय निकाल करके बहुत ही, मेरे ख्याल से आप देख रहे थे लिखा हुआ था आपने सब कुछ, इतना इंटरेस्ट लिया आपने लिखा। एंड ज्योति मेहता सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अगर एक मिनट के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन ले पाऊँ, एक भाई जी ने फिर से उसी चीज पे क्वेश्चन पूछा है हमारे अनुराग भाई जी ने, कि हम डिप्रेशन के अलावा और मेडिटेशन के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे आंसर मिल ही चुके हैं, जैसे कि सिस्टर नेहा ने बोला कि हम 10:1 रिवर्स में काउंट करें, एंड प्लस हम अपने ट्रैफिक कंट्रोल को देखें कि हम बीच बीच में ब्रेक्स लें कि मेरा थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या मैं किसी से हेटेड तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ अपने थॉट्स में, मैं उसके प्रति अगर हेटेड कर रहा हूँ तो उसके प्रति मैं इसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दूं, दुआ दूं बद्दुआ की जगह, हम वो चीज को कर सकते हैं, बिकॉज एंग्जाइटी दुआ देने से खत्म हो जाती है। और दुआओं के बारे में हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगले सेशन में ले सकते हैं सिस्टर्स, दुआओं से कैसे हम एंग्जाइटी को खत्म कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक रहेगा ये। एंड इसके बारे में और पता करने के लिए हम हमारे साथ जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगले संडे 5:00 से 6:00, अगर हम कंफर्म करें तो आज ही हम इस सेशन के कंफर्म कर सकते हैं। सिस्टर ज्योति मेहता, आर यू रेडी? या ऑल गुड, या ओके। अनुराग जी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग, आर यू सेइंग समथिंग, प्लीज कम ऑन, आप आ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी अनुराग जी। ओम शांति, गुड इवनिंग। ओम शांति ब्रदर, बोलिए जी। एक्चुअली द क्वेश्चन यू आस्क्ड, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि शायद जेनरिक क्वेश्चन था कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ऐसा एक सवाल था आपका, राइट? हाँ जी। I have little experience with that. I used to take antidepressants, but it is only under the supervision, and if really, really needed, तब ये लेने चाहिए mild, क्योंकि इसका alternative आयुर्वेद में और योग में है।
सो एक योग है जो मेडिटेशन का है, जिसका आपने जिक्र बताया और बहुत सारे टूल्स अभी दीदी ने भी बताए, शिव दीदी ने भी, शिव नेहा दीदी ने भी बताए। आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं योगा करके। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सूक्ष्म योगा एक्सरसाइजेस हैं जिसका ज्ञान आपको भी बहुत अच्छे से है कि वो एक्सरसाइज करके कैसे ब्रेन के अंदर स्टिमुलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे हार्मोन्स को, हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो डोपामिन है या अदर तरह के, वो योगा के डिफरेंट आसन्स करके होता है, हो सकता है। सो आई वांटेड टू शेयर कि एंटी डिप्रेसेंस जहां तक ना लिए जाए उतना अच्छा है। यू रादर शुड हैव नेचुरल यू नो नेचुरल टेक्निक्स जिसको अडैप्ट कर सकते हैं, और साथ में कुछ अपना खान पीन का कुछ चीज़ों से हमें ज़्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक एंड मेडिटेशन ऑफ कोर्स, और जो और टेक्निक्स बताई वो भी। सो दैट वाज माय लिटिल एक्सपीरियंस कि एंटी डिप्रेसेंस माय पर्सनल व्यू इज शुड नॉट बी टेकन बिकॉज दे हैव सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स, अनलेस बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ एंग्जाइटी है और उसके बिना काम नहीं चल सकता, वो अलग बात। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड आई थिंक आचार्य सर ने ऑलरेडी भाई साहब बोला था कि योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हां जी ज्योति जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कैन आई जस्ट क्विकली ऐड? या थैंक यू अनुराग जी, आपने शेयर किया क्योंकि इट्स नॉट इजी टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। आई जस्ट वांटेड टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दिस अप कि अगर कोई भी इमोशन हैज गॉन टू अ डिसऑर्डर लेवल, जैसे एंग्जायटी अलग है और एंग्जायटी डिसऑर्डर हो गया है, व्हिच इज टू से दैट आपकी फंक्शनैलिटी ही चली जा चुकी है, राइट? या जैसे डिप्रेशन में हम क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम, तो बेसिकली अगर माइल्ड मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी लेवल जा चुका है, तो हो सकता है हमें फॉर अ मीन वाइल फॉर टू बिगिन विद द प्रोसेस हमें थोड़े अंडर सुपरविजन, अंडर मेडिकल गाइडेंस ऑब्वियसली, आपको शायद मेडिकेशन से शुरू करना पड़ सकता है एंड विच इज ओके टू डू दैट। बट इवेंचुअली आप बाकी चीजों पे भी काम करते हैं, जैसे अदर ऑल्टरनेटिव को यू नो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम एंड देन स्लोली आप अपनी मेडिकेशन छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हार्ट टूट गया है और मैं सोचूं कि मैं खुद ही अपने आप सिर्फ पकड़ के और अगले दिन अपने आप यू नो आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट, शायद वो आप डैमेज कर देंगे ज्यादा। द गुड आइडिया वुड बी आप एक्चुअली एक ऑर्थोपेडिक के पास जाएं एंड उसका स्कैन निकलवाएं, उसकी डिग्री पता चलाएं एंड ग्रेजुअली सपोर्ट के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी वो दवाइयां खाएंगे आप बी इन डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ग्रेजुअली आप जैसे इवन फॉर किड्स, किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये डिसऑर्डर जेनेटिक्स के बेस्ड पे होते हैं, तो दे आई हैव वर्कड विद किड्स जो शायद 5 साल के हैं, 6 साल के हैं एंड दे हैव डायग्नोज विद डिसऑर्डर। तो 5-6 साल के बच्चे को आप बहुत ज्यादा टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ कोग्निटिवली नहीं करा सकते, बट उनका रूटीन, लाइफस्टाइल, जैसे आपने बोला पेरेंट्स अगर अवेयर हुए कि हम एक्स्ट्रा प्रेशर्स ना डालें एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट हो सकता है टू बिगिन विथ आपको एक यू नो सपोर्ट के लिए शायद मेडिकेशन लेना शुरू करना पड़े, बट देन ग्रेजुअली बहुत सारे आपने बताया योगा बहुत ब्यूटिफुल तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है, मेडिटेशन के बहुत सारे एंड सो ऑन यू नो द वेरियस बहुत सारे टॉक थेरेपीज एंड थेरेप्यूटिक मॉडल्स हैं। इवेंचुअली ग्रेजुअली यू कैन डू अ लॉट, बट हो सकता है इनिशियली। सो अगर हम में से यहाँ पे कोई है जो यू नो इज ऑन मेडिकेशन, इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल कि आप इमिडिएटली ये सेशन सुन के एकदम से छोड़ दें, यू नो टेक इट अंडर गाइडेंस। अगर यू नो यू डेवलप, इट्स लाइक अ साइकिल, जैसे हम जब बचपन में साइकिल चलाते थे with that extra support wheels, right. अगर आप you know if you थोड़े देर के लिए आपको वो support wheels की जरूरत होती है, then gradually आप एक एक wheel हटाते हैं ताकि आप cycle अच्छे से चला पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी support wheels पर ही चलाएं, पर आप immediately ये भी ना करें कि अगर आप support wheel पे चला रहे और एकदम से दोनों हटा दें तो शायद आप गिर जाएंगे। So I think it's a process, और एक अगर आप extreme level of disorders feel कर रहे हैं तो वो एक process से करेंगे तो that would be better. Wonderful. Thank you so much, Jyoti Mehta sister. And I think we're going to continue the series next week अगर हम सब available हैं. So I'll get in touch with you and we can confirm this series going to part 2. Okay? And thank you so much, Acharya Bhai Sahab, Rohit Bhai Sahab. Thank you so much for joining in. Shivneya sister, आपने हाथ ऊपर किया, कुछ कहना चाह रहे थे आप? It's okay.
लाइक जो अनुराग भाई ने अभी कहा कि हमारे जैसे ब्रेन एक्टिव करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी एक्टिविटीज वो लेकर आएंगे कि जिसमें एक्सरसाइजेस, इट्स नॉट एक्चुअली योगा बट इट्स एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन. तो जो अभी सुन रहे हैं नेक्स्ट टाइम प्लीज हमें सुनिएगा, ये वापस ज्वाइन होएगा क्योंकि इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग नेक्स्ट टाइम का सेशन होगा. सो बने रही है हमारे साथ में, जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. ओम शांति आप सबको. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए जो हम नहीं बता पा रहे हैं, काइंडली आपको ग्रुप में भेजा गया था व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन करिए एंड उसमें आप हमें फिर से ज्वाइन करके हमसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं देख रहा हूँ अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काइंडली उसमें हमें क्वेश्चंस भेजिएगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. साइनिंग ऑफ नाउ. थैंक यू. थैंक यू.